उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद, काफी इंतजार के बाद, जनता दल यूनाइटेड ने यह फैसला किया कि अब वह उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले उतरेगी। हालांकि बहुत उम्मीद थी कि भाजपा जेडीयू गठबंधन के द्वारा चुनाव लड़े, ये जेडीयू के नेता चाहते थे, लेकिन अंत तक भाजपा ने कोई नोटिस नहीं लिया जनता दल यूनाइटेड का। उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह फैसला किया कि अब नीतीश कुमार के चेहरे के भरोसे बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, केसी त्यागी का कहना है कि वो भाजपा से टकराहट वाले मूड में चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अलग अलग है। ऐसे में जेडीयू के नेता यह चाहते थे कि भाजपा के खिलाफ खुलकर जनता दल यूनाइटेड विरोध करें, लेकिन बिहार में तानातनी ना हो, बिहार में रिश्ते में कोई कड़वाहट ना पैदा हो, ऐसे में अब जेडीयू ने सॉफ्ट रुख उत्तर प्रदेश के लिए अख्तियार किया है। जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे चुनाव के मैदान में उतरेंगे और लोगों के बीच पहुंचकर नीतीश कुमार के विकास के काम जो बिहार में हुए हैं उसकी गिनती कराएंगे। जाहिर सी बात है कि जब जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को गिनाने की बारी आएगी, तो बिहार वाली शराबबंदी भी उत्तर प्रदेश में गिनाई जाएगी। बिहार वाली शराबबंदी की भी चर्चा उत्तर प्रदेश में जनता दल यू के नेता करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि में कहा जाए तो फिलहाल बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसे लागू करने को लेके है। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें जहां भी मौका मिलेगा शराबबंदी के पक्ष में लोगों को गोलबंद करेंगे। अब जनता दल यूनाइटेड के नेता अपने दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए चुनावी कैंपेन की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उस स्ट्रेटजी पर जो काम हो रहा है उसमें जो बातें निकल के सामने आ रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं केसी त्यागी, उनका कहना है चुनावी सभाओं में भाजपा के साथ टकराहट वाली इमेज हम नहीं बनाएंगे, हम सकारात्मक तरीके से अपनी बात कहेंगे या बताएंगे कि जिस दल से वे लोग हैं उसके नेता नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार में परिवर्तन किया है, किस तरह से उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं को दूसरे राज्यों ने अपने यहाँ शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नीतीश कुमार द्वारा सोशल सेक्टर में किए गए काम महत्वपूर्ण है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी काम हुआ है। उन्हें नौकरियों के साथ साथ पंचायत स्तर के चुनाव में वैधानिक हिस्सेदारी मिली है। बिहार का यह मॉडल अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित में था, जिसे पूरे देश ने पसंद किया। बिहार में इस मॉडल को हम यूपी चुनाव में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी हम चुनाव में लोगों को बताएंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ किया है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि भाजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर हमारी बातें नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे कैंपेन की दिशा में बदलाव होगा। हमारे स्तर से लोगों को यह बताया जाएगा कि हमारी सोच क्या है। इसके अतिरिक्त जाति आधारित जनगणना पर हर जगह बात होगी, बिहार में चर्चा शुरू हुई, यह मांग अभी में चुनाव के दौरान विशेष चुनावी मुद्दा बनेगा। यानी कि बिहार में जिस सवाल पर जेडीयू भाजपा को घेरती है, उत्तर प्रदेश में वही सवाल चुनावी मुद्दा बनेगा। जातिगत जनगणना बीजेपी ने ना कह दिया है, केंद्र सरकार ने ना कह दिया है, उसके बाद जेडीयू की तैयारी को उत्तर प्रदेश चुनाव में इसे भी मुद्दा बनाया जाए, भाजपा के साथ टकराहट ना हो इस बात का ख्याल रखने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन चुनाव के मैदान में जब एक विरोधी दूसरे विरोधी को कोसेगा नहीं तो फिर कैसे वो अपनी पहचान बना पाएगा। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।
लेकिन यह साफ दिखा रहा है कि जेडीयू भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, लेकिन भाजपा के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार करने में जेडीयू को उत्तर प्रदेश के अंदर काफी पसीने बहाना पड़ेगा।